हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 8:10 से। हस्बैंड और बच्चा चले गया स्कूल और हस्बैंड चले गए ड्यूटी। और बस बाकी काव्यांश को भेज के मैं आ गई थी 7:30 बजे। उसे बस स्टॉप में लेके मतलब छोड़ने जाना पड़ता है जैसा आप लोगों को पता है। तो 7:30 बजे आ गई थी। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं जो कल का वीडियो था उसको कल, क्योंकि रात को मुझे क्या हुआ कि दिन भर की थकान थी और दिन भर शाम को भी सोना नहीं हो पाया, तो रात को ना 10:30-11 बजे मैं सो गई थी। तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा। मैं जनरली क्या करती हूँ कि रात को ही एडिटिंग कर देती हूँ फिर सुबह अपलोड पे लगा देती हूँ, लेकिन कल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई एडिट करने की ब्लॉग को। तो मैंने अभी सुबह किया जब मैं बच्चे को स्कूल से छोड़ के आई, तो बस मैं वही करने लगी थी, एडिटिंग करने लगी थी। एडिट हो गया है, अब थंबनेल बनाऊंगी। मतलब पहले कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि होता है ना घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है तो कपड़े की ढेर हो जाती है। तो कपड़े हुए हैं तो उन फटाफट से पहले उन कपड़ों को धो लेती हूँ, फिर थंबनेल बनाऊंगी, फिर उस साथ ही साथ अपलोड भी लगा दूंगी वीडियो को। तो फटाफट से पहले हम कर लेते हैं कपड़े धोने का कार्यक्रम, है ना? तो तब मिलती हूँ मैं आप लोगों को ब्रेक के बाद, कपड़े धोने के बाद। तब तक मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, तो तभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं रहे। मतलब तीन जब तो मतलब बना ही रही हूँ ब्लॉग में लगातार, था बीच बीच में हो जाता है 1 हफ्ते का, लेकिन 1 हफ्ते का गैप हो जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि बनाती हूँ। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें मुझे, और जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए थैंक यू। तो बस बाकी बने रहे मेरे साथ मेरे। दोस्तों सुखा दिए हैं यहाँ पर कपड़े भी, इधर ये और इधर छोटे के कपड़े। बस अब सुबह सुबह धो दो ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे मतलब 9-10 बजे से धूप रहती है, मतलब 12-1 बजे तक तो सूख जाते हैं कपड़े अच्छे से, नहीं तो फिर वही लेट धो तो फिर नहीं हो पाता है। और लेडीज का तो वही है, कपड़े 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 कपड़े, है ना? तो चलिए फिर जाती हूँ अंदर और फटाफट से पहले चाय पीती हूँ क्योंकि ठंड लग गई सुबह, है ना? बाकी झाड़ू चाय पीने के बाद तो बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और कौन कहता है कि राजस्थान में ठंडा नहीं होता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। मेंटालिटी थी ना, मतलब सेटअप करी हुई थी फाइन में राजस्थान, तो राजस्थान सुन के ऐसा लगता था ओहो गर्मी गर्मी गर्मी,
लेकिन यार बहुत ठंडा है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा। मतलब सुबह सुबह ऐसा ठंडा रहता है यहाँ, जैसे गांव में रहता है ना ठंडा, ऐसा ठंडा रहता है। खैर वैसे तो यहाँ दिन भर ही रहता है। पहले तो मुझे जो यहाँ पे क्वार्टर है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन ठंड देखते हुए, और कहते हैं कि ठंड तो यहाँ 2 महीने की है, लेकिन गर्मी जो है ना बोला बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सबके लिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ मतलब एक तो नीचे का है और ऊपर से क्या है कि पेड़ वगैरह ज़्यादा है, तो गर्मी नहीं होगी बोला इतना, तो बढ़िया है बोला, तो इसलिए मतलब मुझे अब सही लगने लगा है। और क्या होता है ना कि कहीं पे रहो तो अटैचमेंट हो ही जाता है, तो वही चीज़ हो गई है, तो अच्छा लगने लगा है। और वो भी है सामान भी इधर से उधर एडजस्ट करो इधर उधर, वही दिक्कत है। बाकी चलिए दिन भर में जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे करने लगी हूँ चाय गर्म, और चाय पी लूँ फटाफट से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चाय भी पी ली गई है, और ये साथ अभी क्या था कपड़े धोते टाइम, तो अब इसे मैं सुखाने डालती हूँ, बाकी ठंड लगने लगी है। ओहो तो फटाफट से पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पहले तो इसे कुछ सुखा के आती हूँ बाहर, क्योंकि गीली हुई है ना, तो गीले में और ठंड लग रही है, और दूसरी स्वेटर पहन लेती हूँ। तो अब करती हूँ झाड़ू पोछा, तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद। हेलो, तो दिन के बजे एक और, पता है लेट हुई क्या? हाँ एग्जैक्ट एक और है, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, क्योंकि बाहर का ना मैं सेट कर रही थी आज, वो सब सामान पड़ा था जो उसको सेट कर रही थी, तो लेट हो गया। वैसे इतना लेट नहीं हुआ है 1 बजे, बट हस्बैंड की ड्यूटी का अब थोड़ा सा अलग हो गया है, तो वो 1-1.5 बजे आ जाते, तो इसलिए फटाफट मैंने चावल रख दिए हैं, और साथ में मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। वैसे तो मैं कढ़ी नहीं खाती हूँ, वैसे कढ़ी भी बोलते हैं कहीं जगह, कहीं झुल्ली बोलते हैं, हमारे यहाँ झुल्ली भी बोलते हैं और कढ़ी भी बोलते हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ झुल्ली। और कुछ किचन गार्डन से हुआ था ये प्याज के पत्ते, तो ये भी डालूंगी। फटाफट से पहले मैं लंच बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। लाइट गई हुई है, ये इन्वर्टर की लाइट है, लाइट गई हुई है, तो इस कमरे में कनेक्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे अंधेरा है। और मैं स्कूल से आ गया, तो मैं इसे लेने गई थी, मैंने कहा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ लाने की ना, क्योंकि हो नहीं पाता है
आज याद था तो वीडियो बना रही हूँ। बाकी चलो इसको कपड़े वगैरह निकालती हूँ, इसको हाथ मुँह वगैरह धुलाती हूँ, फिर खाना खाएंगे, है ना। क्या किया स्कूल में? हेलो कर दो। हेलो चलिए फिर फटाफट। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5:30 और मैं आई हूँ बाहर में कपड़े लेने। उधर भी है और इधर छोटे भी कपड़े हैं, तो फिर चलती हूँ कपड़े, क्योंकि फिर वॉक पे जाना है। जैसे वॉक पे देखती हूँ, अभी वो सोया है छोटा, 20 सोया वो, तो देखती हूँ वॉक पे। तो वैसे तो 15-20 आधे घंटे में उठ जाता है वो शाम को, तो फिर भी देखते हैं। एकदम से बाहर निकलना ठीक नहीं है, सोया रहेगा फिर एकदम से बाहर, तो थोड़ी देर बाद ही ले जाऊँगी अगर उठता है तो। बाकी काव्यास भी सोया है, उसको उठाती हूँ पहले, फटाफट से कपड़े ले चलती हूँ पहले, फिर उसको उठाऊँगी, फिर जो भी चाय वगैरह पीनी है वो पियेंगे। वैसे तो मैंने पी ली, क्योंकि हस्बैंड 4:30 बजे गए थे, तो पी बना ली थी उनके लिए, तो मैंने भी पी ली थी। बाकी काव्यास को दूध ही दे दूँगी गर्म करके। तो चलिए फटाफट से पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ अंदर, फिर सूख गए होंगे ना, खाली धूल लगेगी, हवा भी चलती है। और बस बाकी चलिए चलते हैं बाद में। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी वॉक के लिए जाने के लिए। ये भी उठ गया यहाँ पे मेरे को, और उधर वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। कुछ काम क्या कर रहा है? फोटोज देख रहा है। मैंने लैपटॉप खोला था बहुत दिनों बाद, मैंने कहा चलो देखती हूँ फोटो वगैरह इसमें बच्चों की, ना काव्यांश की बचपन की, अन्नप्राशन की, मैं क्या होगी, बट नहीं थी अन्नप्राशन की तब, उससे पहले की तो है लेकिन अन्नप्राशन की नहीं, ठंडियों के टाइम से की नहीं है, क्योंकि गर्मियों में आता तो ठंडियों के टाइम किसी नहीं है। तो देखूँगी अभी ढूंढ के, वैसे देखा नहीं, अभी तसल्ली से देखूँगी। अभी मैं जो कपड़े लेके आई थी ना उनको फोल्ड कर लेती हूँ, जब तक वो भाभी आती हैं जो साथ में जाती है ना, तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो कि हल्के हल्के गीले हैं, बाकी इधर ये तई लगा दी है। और चलिए इनको मैं बाहर के मतलब इधर तक लाइट नहीं है शाम तक इनसे, तो लाइट ही तो इधर तब तक बाहर इनको हैंग कर देती हूँ। तो चलिए भी अब आ गए हम वॉक करने मतलब वापस जा रहे हैं, क्योंकि भाभी नहीं आई, तो अभी हम ही करने लगे वॉक। और काव्यांश कर रहे हैं स्केटिंग को, काव्यांश को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे कर रहा हूँ स्केटिंग।
तू खा रही मोमो हो? स्पाइसी हो रहे, चटनी नहीं मोमो। अरे कैसे बनाए कुछ ये भी कर रहा तो कुछ भी क्लिक हो रहा है यार। बहुत ही ज्यादा था, नहीं कैसे बनाते यहाँ के। इसमें भी हरी मिर्ची, पूरे जो सब्जी का टेस्ट रहता है ना वैसा ही हो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मजा भी आ रहा मैं तो है। इसमें नहीं है देखो जरा, मैंने ऐसे किया, आंखों से आंखों किया था ना, तो फिर मिट्टी निकली। मैं के हस्बैंड को एक आधा ही खाया उन्होंने, उनको बहुत मिर्ची लग गई, छोड़ दिया उन्होंने। मैं ही खा रही हूँ, पैसे लगे तो खाना तो है ही ना। बहुत लेकिन मोमो जैसे नहीं लग रही है सब्जी, ये पूरी रोटी खत्म है बड़े निकाल के इनको पारे। जैसे परांठों का होता है ना वैसे ही बना रखा है ये मोमो का अंदर की वेलिंग। में तो टाइम हो गया 10:30 और ये देखो रोने लगा है। तो जैसे आ रही हूँ चल मैं, लाइव तो मैं लाइव ब्लॉग ऐड करती हूँ। आई हाँ होप चल आपको ये ठीक वीडियो अच्छा है, लगा ओके होगा। बाय बाय बाय। अगर अच्छा, मैं कर दूंगी बंद, नहीं मैं कर दे जल्दी जल्दी बाय लाइट बाय बंद कर दूंगी। बाय उन्हें बाय अरे कर दूंगी नहीं मैं, रही बोलते चल ना कर दूंगी बाय मैं। उन्हें बोलते। हाँ क्या मैं इसको फिर ऐड ही नहीं करूंगी इसमें? ये तो मजा आएगा, लोग ही तो चाहते हैं सुनना। चलो यार देखो, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं अगर लगा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहिए, मैं बस रहे बस मस्त रहे, सो रहिए, जाइए स्वस्थ सो जाइए सब सो रहिए। जाइए। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। कभी गुड नाइट बोल दो। नहीं, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय।